Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 23rd November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about appointment of Chief Election Commissioner in India. And this topic is important from Al Cereburg GS paper to Indian polity point of view. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को एक बार देख लेते हैं इलेक्शन हैज़ बिन डिस्कस्ड इन पार्ट फिफ्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द आर्टिकल्स रिलेटेड टू इट आर फ्रॉम थ्री ट्वेंटी फोर टू थ्री ट्वेंटी नाइन इट टॉक्स अबाउट पावर फंक्शन स्टेन ईयर एलिजिबिलिटी इट इज सी ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड इट्स मेम्बर्स जैसे आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर इट टॉक्स दैट

जबकि जो लोकल बॉडीज हैं म्यूनिसिपालिटीज या पंचायत उनका इलेक्शन कराने का काम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का तो यह कंफ्यूजन कभी मत रखिएगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है नहीं जैसे अभी गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन चल रहा है दैट इज बीइंग कंडक्टेड बाय द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और बात की जाए कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन की कि इलेक्शन कमीशन में कौन कितने मेंबर होंगे तो हमारा संविधान कहता है कि देयर विल बी वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड देयर माइट बी मोर इलेक्शन कमिश्नर्स तो एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और उसके अलावा कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं जो चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर को सपोर्ट करेंगे इन डिस्चार्ज ऑफ और हर ड्यूटी तो एडिशनल कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स एंड अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स तो मुद्दा यह है कि एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना है, होना ही है उसके अलावा और कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं लेकिन उनके नंबर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन नहीं किया है इट हैज़ बीन लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन मतलब इनडायरेक्टली जो एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे देश की सरकार है उनके हाथ में ये पावर दिया गया है क्योंकि प्रेसिडेंट बेसिकली एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो करंटली अगर बात की जाए तो वी हैव इलेक्शन कमीशन इंक्लूड्स वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर्स ये मिलाकर के अभी होता है ओवरऑल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स की तो ऑल ऑफ दर अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज द सर्विस कंडीशन एंड टेन ईयर्स ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंजॉयज द सेम स्टेटस एज दैट ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज फार एज सैलरी पर्कस आर कंसर्नड तो जो सैलरी या पर्कस जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मिलता है वही सैलरी और पर्क्स इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलता है टेन ईयर जैसा कि मैंने आपको बताया टेन ईयर फॉर द टाइमिंगज बिन फिक्सड आज सिक्स ईयर और अप टू द एज ऑफ सिक्सटी फाइव ईयर्स जो पहले हो तो अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया तो छह साल तक वो सर्विस में रहेंगे या सिक्सटी फाइव ईयर्स के एज तक सर्विस में रहेंगे रिमूवल इज ऑल्सो डिसाइडेड बाई द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ तो बेसिकली इंडायरेक्टली बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्योंकि प्रेसिडेंट एज सेड एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो जब इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जस्ट लाइक जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिमूव्ड अगर जो जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाना है तो जो उसके लिए जो प्रोसेस है वही प्रोसेस फॉलो करना होगा अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो फ्रॉम हिज और हर ऑफिस बिफोर कंप्लीसन ऑफ द टेन ईयर लेकिन जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका रिमूवल प्रोसेस पे हमारा संविधान कुछ भी नहीं कहता है तो इन सब छोटी छोटी पॉइंट से प्रलिम्स में सवाल बन जाते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल का प्रोसेस है बल्कि इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल का प्रोसेस नहीं है so, सो ये सब बातें ध्यान रखनी है कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स इट ओनली प्रोवाइड्स दैट दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं दे कुड बी रिमूव्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके अलावा रिमूवल का क्या प्रोसेस होगा बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर्स का वो प्रोसेस हमारे संविधान में नहीं लिखा है ये तो बात हो गई जो हमारे संविधान में लिखी हुई चीजें हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर के कि, कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे अपॉइंटमेंट रिमूवल टेन ईयर लेकिन अब एक जो ध्यान देने वाली बात यह है कि द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर बीइंग डन बाय द प्रेसिडेंट और इनडायरेक्टली बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन होते हैं उस पार्टी के लोग जिनको मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिलती है इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और इलेक्शन ऑफ लोकसभा को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी है इलेक्शन कमीशन की तो ये एक साइकिल बन गया आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा इलेक्शन कमीशन लोकसभा का इलेक्शन करा रहा इलेक्शन लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी वो सरकार में आ रहा और वही सरकार में जो लोग आ रहे हैं वो फिर प्रेसिडेंट के थ्रू इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कर रहे हैं तो अब ऐसे हालात में इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर इलेक्शन कमीशन टू एक्ट इन फ्री फेयर एंड ऑटोनोमस मैनर बिकॉज दे आर बींग अपॉइंटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन डायरेक्टली और ऐसे हालात में हाउ कैन दे एक्ट अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राइट और अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल पार्टी इफ रिक्वायर्ड तो इसको लेकर के आर्टिकल आया है कि एग्जीक्यूटिव अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर्स and that is how election commissioners are perceived to be pliant, or realize the asserting institutional autonomy will come at a great personal cost saral bhasha mein koi bhi election commissioner ya chief election commissioner jo sarkar hai executives hain unse wo seedha seedha conflict karna nahi chahega एकदम सरल देसी भाषा में कहें तो पंगे लेना नहीं चाहेगा और क्यों क्योंकि ultimately appoint वही करते हैं तो ऐसे हालात में इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन का इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस तरीके से काम करना डाउटफुल हो जाता है और फिर इसी आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि कैसे इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग को तीन फेज में देखा जा सकता है सिंस इंडिपेंडेंस जो फेज वन था 1950 से लेकर के 1989 तक का ये ऐसा वक्त था जब कांग्रेस पार्टी जा, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हुआ करती थी एट द यूनियन लेवल और कांग्रेस पार्टी जब जा बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हुआ करती थी तब आप देखते थे इलेक्शन कमीशन की इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी जो है वो हमेशा क्वेश्चन की जाती थी कि इलेक्शन कमीशन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा फ्री और फेयर तरीके से काम नहीं कर रहा क्योंकि जिनकी सरकार है उन्होंने ही आपको अपॉइंट किया है और जिनकी सरकार है वो जब इलेक्शन में वापस जाएगी वो पार्टी तो उस पार्टी के खिलाफ आप स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे ले सकते हैं क्योंकि बेसिकली आपको उन्होंने अपॉइंट किया है राइट right? सो so ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बन रहा है लेकिन जो फेज टू है दैट इज फ्रॉम 1989 टू 2014 थाउजेंड फोर्टीन वहाँ पर आप देखेंगे कि यूनियन लेवल पे जो किसी भी पार्टी को ठीक तरीके से मेजोरिटी नहीं मिल पा रही थी सो दिस फेज इन इंडियन पॉलिटिक्स इज नोन एज एज ऑफ कोयलिस पॉलिटिक्स और ऐसे हालात में जब कोई भी एग्जीक्यूटिव काफी पावरफुल नहीं था या कोई भी पावरफुल लीडर इमर्ज होकर के नहीं आ पा रहा था जैसे कि फेज वन में यू सॉ लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू देन इंदिरा गांधी एंड देन राजीव गांधी दे वर क्वाइट पावरफुल वाई बिकॉज दे हैड मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा ऐसे हालात 1989 से 2014 तक नहीं भरे और जब एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल नहीं थे उस केस में आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन एक्टेड इन अ वेरी स्ट्रिंजेंट फ्री एंड फेयर मैनर लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि 2014 के बाद से थर्ड फेज ऑफ इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड वेयर अगेन द स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव रिटर्न टू द पावर सिंगल पार्टी मेजोरिटी केम अगेन एन स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर केम टू द ऑफिस एंड सिंस देन इट इज अगेन बिकमिंग डिफिकल्ट ऐसा क्रिटिक्स कह रहे हैं अगेन बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर इलेक्शन कमीशन टू मेंटेन इट्स इमेज ऑफ फ्री फेयर एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एंड देर इज क्वाइट अ बिग चांस ह्यूज चांसेस कि द ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन में भी कॉम्प्रोमाइज अगेन ऐसा कहा गया है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर एक पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया जिसमें पेटिशनर ने रे रिक्वेस्ट किया कोर्ट को इंटरफेयर करने के लिए इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ताकि जो इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट सीधा सीधा प्रेसिडेंट यानी कि इंडायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में ना हो जिससे फिर इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर पाए और ये मैटर फिर रेफर किया गया सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दैट वाज हेडेड बाय फाइव जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये पाँच जज हैं और इन्होंने फिर अभी उस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमिश्नर शुड बी सम वन विथ अ कैरेक्टर हु डज नॉट अलाउ हिमसेल्फ टू बी बुल्डोस्ड यानी कि इलेक्शन कमिश्नर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को बनाया जाना चाहिए जो किसी भी प्रधानमंत्री हो या कोई भी मिनिस्टर हो उससे वो मतलब उसके थ्रेट में ना आए और उसके कहने पर वो थोड़ा सा अभी इंड्यूस ना हो उसके पास अपनी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए और अपनी ड्यूटी को स्ट्रिंजेंट तरीके से इम्प्लीमेंट कराने की पर्सनालिटी होनी चाहिए और इसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है इंक्लूडिंग द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको उसमें थोड़े से बदलाव किए जाए और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनाई जाए जो कमेटी के रिकमेंडेशन पे इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हो और उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड किया जाए तो जुडिशियरी से भी लोग होंगे बाकी सारे अलग अलग फील्ड से भी लोग होंगे और वो कमेटी मिल करके फिर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करें इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो फिर आप मान सकते हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे वो ऑटोनोमस तरीके से काम करेंगे बिकॉज नाउ दे आर नॉट डायरेक्टली बींग अपॉइंटेड बाई द एग्जीक्यूटिवस क्योंकि जिस पार्टी ने आपको अपॉइंट किया है जिस सरकार ने अपॉइंट किया है उस सरकार की जो पार्टी है उसके खिलाफ आप नॉर्मली काम नहीं कर पाएंगे सो ब्रिंग अ कमिटी जो ठीक तरीके से अपॉइंटमेंट करे और उस कमिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मेंबर बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट के इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह भी कहा है कि देयर हैव बीन न्यूमरस चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बट टीएन सेशन हैपेंस वंस इन अ वाइल्ड तो बहुत कम ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हुए हैं टी एन सेसन जैसे जिन्होंने इलेक्शन का पूरा का पूरा प्रोसेस जो है उसको फेयर और ट्रांसपेरेंट कर दिया जिस कारण से लोगों का ट्रस्ट इलेक्टोरल प्रोसेस में स्ट्रांग हुआ एंड दैट इज वाई पार्टिसिपेशन और वोटिंग शेयर और वोटिंग रेट्स हैव इंक्रीज उसी ये टी एन सेशन व चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम 1990 नाइनटी टू नाइनटीन नाइन्टी सिक्स ये जो सेकेंड फेज था तो कॉन्सीडेंटली टीएन सेशन एक काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और कॉन्सीडेंटली ये वक्त भी ऐसा था जब कोलिसन पॉलिटिक्स शुरू हुआ तो टी एन सेशन जी ने फिर काफ़ी स्ट्रिंजेंट तरीके से इलेक्शंस के सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराया और इलेक्शंस का जो पूरा का प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जिससे लोगों का जो ट्रस्ट है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में या डेमोक्रेसी में वो स्ट्रांग हुआ सो वी नीड मोर पीपल लाइक हिम ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन उसके लिए हमें अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को और ज्यादा न्यूट्रल बनाना होगा वी विल हैव टू टेक द सोल कंट्रोल फ्रॉम द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स इस टॉपिक के मैसेज पर फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा दे था। आँग था। आँग दे है प्लीज दिस क्वेश्चन यू कैन सबमिट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन ईरान देखिए इस आर्टिकल से सीधा सीधा सवाल नहीं आएगा लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स अभी ईरान में हो रहे हैं मुझे लग रहा है कि वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और इस कारण से इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स को ये बात जाननी चाहिए क्या चल रहा है ईरान में पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि ईरान में चल क्या रहा है तो अगर हमें ईरान की मौजूदा हालत समझनी है तो हमें थोड़ा बैकग्राउंड से देखना होगा ईरान आप सबको पता है कि वेस्ट एशियन कंट्री है वहाँ परसियन कल्चर फॉलो किया जाता है वेस्ट एशिया में मेनली दो ही पावर ब्लॉक्स हैं एक तरफ ईरान दूसरी तरफ सऊदी अरबिया सऊदी अरबिया अरबिक कल्चर फॉलो करता है सुन्नी ग्रुप को फॉलो करता है सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम को फॉलो करता है जबकि ईरान परसियन कल्चर फॉलो करता है और सिया सेक्ट ऑफ इस्लाम को फॉलो करता है इस कारण से वेस्ट एशिया में भी ये दोनों देश सऊदी अरबिया और ईरान वैसे तो दोनों इस्लामिक कंट्री हैं लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हॉस्टेलिटी रहती है मेनली बिकॉज ऑफ द सेक्ट सेक्टोरियन डिवाइड सिया सु डिवाइड अब ईरान की बात की जाए तो नाइनटीन में ईरान में एक डिक्टेटर रूल किया करता था जिसका नाम था शाह रेजा पहलवी इस डिक्टेटर ने काफी अच्छे संबंध बना रखे थे विथ वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज अमेरिका और ईरान के कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम ये सस्ते दामों पे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका को दे दिया करता था शाह रेजा पहेलवी तो शाहरेजा पहलवी वॉज बेसिकली नॉट एक्टिंग इन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ ईरान ही वॉज एक्टिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ वेस्ट एंड यू एस बिकॉज दे वेर डायरेक्टली फेवरिंग शाह रेजा पहलवी तो नेचुरल सी बात है कि ईरान के लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया शाह रेजा पहलवी के खिलाफ वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ वेयर शाह रेजा पहलवी वॉज डी थ्रोड फ्रॉम द पावर और ईरान के अंदर एक नया पोलिटिकल सिस्टम लाया गया इस रिवॉल्यूशन को जो 1979 में लाया गया इस रिवॉल्यूशन को नाम दिया गया इस्लामिक रिवॉल्यूशन ये इसी को कहा जाता है ईरानियन रिवॉल्यूशन कहीं कहीं पे इसी को लिखा जाता है कल्चरल रिवॉल्यूशन बिकॉज बेसिकली द कल्चर ऑफ ईरान वाज चेंज सो दिस रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन नाइनटीन अंडर आयोतो होम और सारे जा पहलवी को हटाने के बाद ईरान ने बिल्कुल नया सिस्टम अडॉप्ट कर लिया और इसी के बाद से ईरान और यूएस के संबंध पूरी तरह से खराब हो गए और यही कारण है कि उसके बाद से यूएस के संबंध सऊदी अरेबिया से अच्छे हो गए बिकॉज ईरान एंड सऊदी आर हॉस्टाइल टू इच अदर एंड नाउ ईरान एंड यूएस बिकेम हॉस्टाइल टू इच अदर सो नेचुरली यूएस एंड सऊदी बिकेम अलाइज अगेंस्ट ईरान तो ये इक्वेशंस आज भी वेस्ट एशिया में एप्लीकेबल हैं वेयर यू इज अगेंस्ट ईरान एंड यू कीप्स ऑन इम्पोजिंग अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक सेंक्शंस ऑन ईरान इन द नेम ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बींग डेवलप्ड बाई ईरान और यू एस मेंटेन्स गुड अटाइज विद सऊदी अरेबिया अब बात करते हैं ईरान के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हुआ आफ्टर दिस ईरानियन रिवोल्यूशन ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको आप पैराडॉक्सिकल सिचुएशन मान सकते हैं क्यों क्योंकि ईरान ने अपना नाम बदल करके रख दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आफ्टर दिस रिवोल्यूशन एंड हैविंग अ न्यू सिस्टम लेकिन ईरान पूरी तरह से एक रिपब्लिक देश की तरह काम नहीं करता है ईरान बेसिकली आज साझे थियोक्रेटिक स्टेट रिपब्लिक स्टेट कौन सा स्टेट होता है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ़ दैट कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया तो हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया सो दैट इज वाई इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट ब्रिटेन इज नॉट ए रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज द मोनार्क इज नॉट इलेक्टेड बाई द पीपल दैट इज़ अ हेरिटेटरी पोजिशन तो इस बात का ध्यान रखना है कि रिपब्लिक या डेमोक्रेसी होने का मतलब रिपब्लिक होना नहीं होता है अपने आप में रिपब्लिक एक टेक्निकल वर्ड है जिसका अपने आप में एक मीनिंग है सो ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द डिसीजन आर टेकन बाय द पार्लियामेंट एंड द एग्जीक्यूटिव हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर लेकिन थियोरेटिकल इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज रिपब्लिक क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इज अ मोनार्क विच इज हेरिटेट रिपोजिशन चलिए तो रिपब्लिकन पॉलिटिकल सिस्टम तो आप समझ गए ईरान अपने आप को रिपब्लिकन कहता है बट एसेंशियली इट इज नॉट अ रिपब्लिकन स्टेट इट इज अ थियोक्रेटिक स्टेट थियोक्रेटिक स्टेट क्या होता है वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज कंसिडर टू बी हु हैज बीन चूजेन बाय द गॉड्स टू रूल देयर अब गॉड्स ने चुना है ये कैसे पता चले कि आपको भगवान ने चुना है उसके अपने तरीके हैं बट हेड ऑफ़ द स्टेट इज नॉट समन हैज बिन चूजन बाय द पीपल बट समन हुज बीन चूजन बाय द गॉड्स करेंट टाइम में कुछ ऐसे स्टेट जिनको थियोक्रेटिक कहा जा सकता है वो हैं जैसे सऊदी अरबिया तो सऊदी अरबिया के अंदर जो अल साउद फैमिली है दे रूल दे एयर नॉट बिकॉज पीपल हैव चूजन दे रूल देयर बिकॉज दे बिलीव कि दे आर लाइट ऑफ गॉड दे आर रिप्रजेंटेटिव ऑफ गॉड अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूदा सरकार है तालिबान की दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी दे बिलीव इन सरियत लॉ वे दे डोंट बिलीव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है टू रूल्स मेड बाय पीपल बट सरियत लॉ और ऑर्थोडॉक्स इस्लाम डज नॉट बिलीव इन लिविंग अंडर रूल्स मेड बाय पीपल दे बिलीव दैट ह्यूमन शुड लिव ओनली अंडर रूल्स मेड बाय द अल्लाह हिमसेल्फ और गॉड हिमसेल्फ ईरान ऑल्सो कम्स अंडर द थियोक्रेटिक स्टेट क्योंकि जो चीफ ऑफ द स्टेट या सुप्रीम लीडर है आयोत्तोल खो नहीं दैट पर्सन इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसलिए ईरान अपने आपको जब रिपब्लिक कहता है तो इट इज़ बेसिकली अ कॉन्ट्राडिक्टी स्टेटमेंट वैटिकन सिटी तो है ही हैड ऑफ द स्टेट इज पोप विच इज अ रिलीजियस लीडर राइट सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन थियोक्रेसी एंड रिपब्लिक एंड ईरान वैन कॉल्स इट रिपब्लिक इट इज अस नोमर बिकॉज एसेंशियल इट इज नॉट अ रिपब्लिक इट इज थियोक्रेटिक स्टेट ईरान का अगर आप पोलिटिकल सिस्टम देखें तो जो सुप्रीम लीडर हैं जो वहाँ के प्रेसिडेंट से भी ऊपर हैं का नाम है ऑयोतोला खोमेनी सुप्रीम लीडर दैट पर्सन इज कंसिडर टू बी समन हुज़ बीन चोजन बाई द गॉड्स और इनको चूज करने के लिए 88 लोगों की क्लैरिक्स की एट क्लैरिक्स की जो मुल्ला वगैरह इन लोगों के जो ग्रुप है ऐसे लोग जो रिलीजन के हेड माने जाते हैं क्लैरिक्स हेड माने जाते हैं 88 इस तरह के क्लैरिक्स लोगों की एक ग्रुप है जिन्होंने मिल करके चुना है आयोतोला खोमेनी को हु इज कंसिडर टू बी द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान और जब प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हु इलेक्टेड बाई द पीपल ऑफ़ ईरान इज ऑल्सो अंडर द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान तो नाम ही है इस पोजिशन का नाम ही है सुप्रीम लीडर और प्रेसिडेंट जिनको लोगों ने चुना है वो सुप्रीम लीडर के नीचे काम करते हैं इनके डायरेक्टिव के हिसाब से काम करते हैं सुप्रीम लीडर इज समन हु इज कंसिडर टू बी द रिलीजियस लीडर हुन चोजन बाई द रिलीजियस ग्रुप्स सो दिस इज हाउ यू कैन से ईरान इज बेसिकली अ थियोक्रेटिक स्टेट राइट बिकॉज इट इज अंडर द सुप्रीम लीडर और मौजूदा सुप्रीम लीडर है अयोतोला खोमनी जो वहां के प्रेसिडेंट से भी ऊपर है तो जो पहला रिवॉल्यूशन लाया था शाह रेजा पहलवी के खिलाफ वो लाया था अयोतौला अली खोमेनी ने राइट right? दोनों नाम में कंफ्यूज मत होइएगा सो so इन्होंने ये पहला रिवॉल्यूशन लाया था और उसके बाद ये बने थे सुप्रीम लीडर राइट right? और अयोतोला रो

हु इज़ नाव सुप्रीम लीडर ये नाम रटने की जरूरत नहीं है मैं अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों लोगों का नाम एक ही जैसा है आपको बस याद ये रखना है कि जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं उनका भी नाम है अयोत् खोमनी जिन्होंने रिवोल्यूशन लाया था उनका भी नाम था एयोतोला खोमनी बट बोथ आर डिफरेंट पीपल वो पहले सुप्रीम लीडर थे जिन्होंने रिवोल्यूशन लाया था नाम में थोड़ा सा अंतर है खोमिनी और खोमनेई तो इन्होंने रिवोल्यूशन लाया था और दस साल तक ये सुप्रीम लीडर रहे अब सुप्रीम लीडर हैं अयतोल्हाली खोमई और ये हैं थियोक्रेटिक स्टेट के हेड एंड ही इज द पर्सन हु इज बेसिकली कंसिडर्ड एज समन हैज बीन चोजन बाय द गॉड एंड प्रेसिडेंट इज सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम लीडर अब इसका क्या मतलब है कि ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज नॉट ए डेमोक्रेटिक इसलिए अक्सर वहां के जो लोग हैं वो ईरानियन पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर, कर देते हैं बिकॉज पीपल आर बेसिकली नॉट सेटिस्फाइड ऑफ कोर्स वहां पे भी फैक्शन हैं ग्रुप्स डिवाइडेड हैं बट देर आर मेनी पीपल हु वांट अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट इन लाइन विद द मॉडर्न सिस्टम्स दैट आर प्रिवलेंट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दैट इज वाई यू विल सी फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट इन ईरान अटेम्प्ट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द करेंट डिस्पेंसन ऑफ ईरान और इस तरह के कई सारे अनरेस्ट हुए हैं पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुए हैं ईरान में लेकिन हाल फिलहाल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ ये प्रोटेस्ट काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है और जो मौजूदा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है ये शुरू हुआ बिकॉज ऑफ एन इवेंट दैट हैपेंड दिस ईयर ऑन सिक्सटीन सेप्टेम्बर सोलह सेप्टेम्बर को हुआ क्या इस साल मासा अमीनी नाम के एक ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ईयर गर्ल को अरेस्ट किया वहाँ की लोकल पुलिस ने फॉर नॉट वियरिंग हिजाब और फिर उनको टॉर्चर किया गया फॉर नॉट वियरिंग हिजाब और उस टॉर्चर में उनकी डेथ हो गई उस डेथ के बाद ईरान के विमेन ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कई सारे विमेन फिर बिना हिजाब के सड़कों पर उतर आई क्योंकि बेसिकली वहाँ पर मोरल पुलिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसको मोरल पुलिस का एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर पुलिस है वहाँ पर एक मोरल पुलिसिंग के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है जिसका काम ही है कि औरतों को मर्यादा में रखने का उनकी जिम्मेदारी दी गई है सो बेसिकली इट विल लीड टू एक्सप्लॉर्टेशन ऑफ वीमेन और ऐसा क्यों हो पा रहा है क्योंकि वहां का जो टॉप मोस्ट लीडर है वो बेसिकली उनकी जिम्मेदारी है रिलीजन आइडियाज को पहले इंप्लीमेंट कराना डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ वो सब बाद में कराने का और इस कारण से मॉरल पोलिसिंग इज वेरी स्ट्रांग उसी मॉरल पोलिसिंग के चक्कर में मासा अमीनी वॉज टॉर्चर्ड टू डेथ एंड दैट इज हाउ दिस प्रोटेस्ट स्टार्टेड तो मोरल पुलिस जो वहाँ पे ईरान की है उसका टेक्निकल या वहाँ का नाम है गश्ते इरसाद इनको इतना पावर है कि वो विमेन को कभी भी रोक करके चेक कर सकते हैं उन्होंने ठीक से हिजाब पहना है कि नहीं पहना है ज़्यादा मेकअप तो नहीं किया है ऐसे उनके पास पावर्स हैं वो देखते हैं मोरल पुलिस कि कहीं वीमे ने कहीं टाइट ट्राउजर्स तो नहीं पहने हैं रिप्ड जीन्स तो नहीं पहने हैं ब्राइटली कलर्ड आउटफिट तो नहीं पहने हैं सो नेचुरली इतने सालों से जो विमेन के राइट्स को सप्रेस किया जा रहा है एक इवेंट के बाद मासा अमीनी के डेथ के बाद वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो जो पेंट अप एंगर है दैट लीड टू आउटबर्स्ट एंड दिस मूवमेंट स्टार्टेड और ये जो वीमेन द्वारा लेट किया गया मूवमेंट था अगेंस्ट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ईरान मेनली अगेंस्ट द सुप्रीम लीडर एंड हिज पॉलिटिकल सिस्टम विच इज इन लाइन ऑफ ए थियोक्रेटिक स्टेट इसको फिर दुनिया भर के अलग अलग जगहों से सपोर्ट मिला जो लोग डेमोक्रेसी के फेवर में तो उन्होंने सपोर्ट किया और ये प्रोटेस्ट डे बाई डे स्ट्रॉग होता जा रहा है इट इज़ गेनिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है अभी कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और वहाँ पे ईरान का मैच था इंग्लैंड से और मैच के पहले आप सबने देखा होगा नेशनल एंथम गाया जाता है तो इंग्लैंड की टीम ने अपना नेशनल एंथम गाया जब ईरान की टीम का नेशनल एंथम गाने का वक्त आया तो ईरान की टीम ने नेशनल एंथम के वक्त साइलेंस रखा देर इज नॉट प्रेफर सिंगिंग नेशनल एंथम बिकॉज दिस नेशनल एंथम हैज बिन डेवलपड और हैज बिन डिसाइडेड बाई द करेंट पोलिटिकल सिस्टम विच इज हेडेड बाय द सुप्रीम लीडर और ये लोग अब सुप्रीम लीडर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सो दैट इज वाई दे डिसाइडेड टू कीप साइलेंस ड्यूरिंग द नेशनल एंथम अब देख सकते हैं यहाँ पे You can Indian see this report. Soccer team's players chose not to sing their country's national anthem before their opening match against England on Monday at the World Cup in Qatar in solidarity with the protesters back home. As Iran's national anthem played at the Khalifa International Stadium, television cameras showed the starting players standing stoically but not singing. Prior to the game, team captain Ali Reza Jahan Baksh said he and his teammates would decide collectively whether they would like to take a stand during the anthem in support of the anti-government protest. Women are supporting their team. At least if national anthem 19 protesters then. have been killed since September, including sixty children, and more than 17,000 people have been arrested. According to the Iranian Human Rights Activists News Agency's latest statistics. The protests have rocked Iran since the killing in police yeah, yeah, custody of a 22-year-old girl, Masha Amini, on September 16. Initially led by women, the protests have grown into the most significant anti-government demonstration the regime has faced since it came to power in the 1979 Islamic Revolution. तो देखिए ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज़ आई बिलीव मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अलग अलग आर्टिकल्स में जो इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि ये जो करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ईरान में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम बदल सकता है और उस कारण से पूरा का पूरा वेस्ट एशिया का पॉलिटिक्स बदल सकता है तो ये जो करंट प्रोटेस्ट शुरू हैं ईरान में दे हैव द पॉसिबिलिटीज़ लाइक वॉट हैप्पेंड इन अरब स्प्रिंग तो अरब स्प्रिंग के बाद जब वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में बदलाव आए उस तरह के बदलाव अब इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के बाद भी आ सकते हैं तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको अरब स्प्रिंग के बारे में नहीं पता है कि ये क्या है उनके लिए मैं एक लिंक और पी डी एफ शेयर कर दूंगा इन द कॉमेंट सेक्शन वहाँ जाकर के वो देख सकते हैं सो नेक्स्ट इज अबाउट चैपियंस ऑफ द अर्थ ट्वेंटी ट्वेंटी टू अवर्ड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉरमर सिलेलेब जीएसपत्र इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इज़ यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट इन्वायरमेंट रिलेटेड अवार्ड जिसमें कोई भी पब्लिक फिगर या प्राइवेट एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन अगर उन्होंने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अच्छा काम किया है तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है और ये चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है दिस अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन टू थाउजेंड फाइव बाई यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यू एन ई पी ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ये अवार्ड दिए गए हैं इन फॉलोइंग कैटेगरीज एंटरप्रेन्योर विजन एक्सन एंड इंस्पिरेशन एंड साइंस एंड इनोवेशन एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 थाउजेंड एटीन वॉज गिवेंट टू आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो वन ऑफ द अवार्ड वेंट टू आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस साल इमानुअल माकरोन फ्रांस के प्रेसिडेंट को भी अवार्ड मिला था हमारे प्रधानमंत्री जी को भी ये अवार्ड मिला था इन द ईयर टू थाउजेंड एटीन चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दो हज़ार बाईस इस साल चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर ए एग्ज़ाम के लिए क्योंकि हमारे स्टेट आसाम से डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है हाईली रेप्यूटेड प्राइज़ और पूर्णिमा देवी बर्मन जी को जब मिला है तो ए के लिए तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है उनको मिला है अवार्ड फ्रॉम दिस कैटेगरी आंटरप्रेनियल विजन उसके अलावा बाकी लोग भी हैं जिनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है ये नाम मैंने दे रखे हैं बट आई डोंट थिंक इट्स इंपॉर्टेंट नो नीड टू मक इट अप पूर्णिमा देवी बर्मन जी के बारे में ज़रा देखते हैं सो सी इज़ अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट एंड सी क्रिएटेड एन आर्मी ऑफ वीमेन जिसको हम लोग कहते हैं हरगिला आर्मी हरगिला आर्मी ऑल फीमेल ग्रुप जिसको उन्होंने डेवलप किया है फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क बर्ड तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क बर्ड को असम में हरगिला कहते हैं और हरगिला बर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए इन्होंने ये आर्मी ग्रुप ऑफ विमेन आर्मी क्रिएट की जिसको हरगिला आर्मी कहते हैं तो एक बार के लिए ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क बर्ड्स की जनसंख्या काफ़ी कम हो गई थी हमारे स्टेट आसाम में और ओवरऑल इंडिया में फिर इस हरगिला आर्मी ने अवेयरनेस क्रिएट किया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उन्होंने कई सारे तरीके अपनाए कई सारे कपड़े बुनाई वाले कपड़ों पर हरगिला बर्ड्स के इमेजेस बना बना करके इन्होंने बेचे इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हरगिला बर्ड ये हरगिला आर्मी ने किया विच इज़ मेरली मेडअप ऑफ वुमेन इससे वुमेन की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी क्रिएट हुई उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी मिली एट द सेम टाइम हरगीला बर्ड के प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस भी क्रिएट हुआ और इस कारण से डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी को कई सारे अवार्ड्स मिले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड इन टू थाउजेंड सेवेंटीन सी गॉड विटली अवॉर्ड विच इज ऑल्सो नॉन एज ग्रीन ऑस्कर सी एज ऑल्सो गॉट प्रेसिडेंट अवार्ड्स फॉर हर एफर्ट्स अगर बात की जाए हरगीला बर्ड की तो ये बर्ड इट इज़ मोस्टली फाउंड इन आसाम एंड बिहार इस बर्ड का लगभग टू थर्ड पॉपुलेशन आसाम में मिलता है 11-12 साल पहले तक इस बर्ड की बहुत ज़्यादा हंटिंग की जाती थी हमारे स्टेट असाम में फिर पूर्णिमा देवी बर्मन जी ने इस बर्ड का कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया उन्होंने हरगिला आर्मी बनाया अवेयरनेस क्रिएट किया और आज फिर इस बर्ड की पॉपुलेशन काफ़ी हद तक री हो गई है थैंक्स टू द कॉन्ट्रीब्यूशन बाई हरगिला आर्मी लेड बाई पूर्णिमा देवी बर्मन स्टिल तो दिस हरगिला बर्ड हैज़ बिन कैटेगराइज एज इन डेंजर्ड इन आई यू सी एंड रेड डेटा बुक बट इट इज़ इन पार्ट शेड्यूल फोर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो अबाउट भूपेन अवार्ड 2022 ये आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो भूपेन हजारी का सॉलिडरिटी अवार्ड हर साल दिया जाता है बाय आसाम साहित्य सभा इन एसोसिएशन विद नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड दो से अवार्ड दिया जा रहा है इसमें पांच लाख का कैश प्राइज दिया जाता है एक अंग वस्त्र होता है कलेक्शन ऑफ बुक्स होते हैं और इस साल का 2022 का भूपेन हजारी का सॉलिडेरिटी अवार्ड दिया गया है टू रेनाउंड सिंगर ऊषा मंगेशकर जी सिस्टर ऑफ लता मंगेशकर जी 2022 हजार का इनको भूपेन हजारी का सॉलिडेरिटी अवार्ड दिया गया है कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते जैसा कि मैंने डिस्कशन में भी बताया था कि टेकिंग इन करेक्ट डोजेज एंड यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक आर द मेन रीजन बिहाइंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस सो द करेक्ट आंसर विल बी टू एंड थ्री ऑप्शन बी और ये हिंट्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया था सी डी सेंट्रल डिपोजिट्री सर्विसेज लिमिटेड इज रेगुलेटेड बाय से तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है तो सी ओ डी तो हो नहीं सकता तो पहला स्टेटमेंट तो अपने आप सही हो गया दूसरा स्टेटमेंट मैंने हिंट्स में देख करके रखा था कि दिस सिस्टम इज यूज फॉर ट्रेडिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन सेकेंडरी मार्केट सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दर्ट्स ऑल फ्रॉम आर सर्ट फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग